क्यों बे अमृत, नाटू को देख के डर गया? उसकी तो तुझे बहुत मरम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन उसे देखकर पेड़ पे चढ़ गया। नहीं नहीं, पेड़ पर तो मैं चढ़ा फल तोड़ने के लिए। मैं के नादू से डरता हूँ। अगर उसके हाथ में लठिया नहीं होती तो उसकी वो मरम्मत करता कि खटिया में सोकर हमेशा रोता रहता। शाबाश, शाम को तेरे घर पर पिटाई नहीं हुई? मेरी पिटाई? है हिम्मत किसी की जो मुझे पीट सके? क्यों, मामा ने तेरी पिटाई नहीं की? नहीं नहीं, मामा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मामी ने ही कान ऐंठ दिए थे। अच्छा अमृत, तू तो बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरता। सच सच बता, भूत को देखकर तू क्या करता है? धोती में ही। नहीं नहीं, भूत को मैंने देखा है और मैं बिल्कुल नहीं डरा। भूत को तूने देखा है? कहाँ देखा है, कब देखा? वहाँ देखा। कैसा था देखने में? हमारा गाय का बछड़ा खो गया था तो मामा ने कहा, देख तो अमृत जंगल में। मैं जंगल में गया तो एकाएक देखा कि एक घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। मैं राम नाम जपता हुआ बाहर निकल आया। राम नाम जपने से भूत कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ये बता, किधर से किधर भाग रहा था? गांव से स्टेशन की तरफ जा रहा था। अरे तूने तेरे बछड़े को ही देखा होगा, भूत समझ बैठा है। जीता जागता घोड़ा भूत था। तू क्या कहना चाहता है, भूत को देखकर तेरी गिग्गी नहीं बंद हुई? क्यों गिग्गी बंद होगी, मैं तो राम नाम जप रहा था। अरे डर गया था तभी राम नाम जप रहा था ना। देख अमरी, ज्यादा फेंक मत, तू इस जंगल जा सकता है। क्यों नहीं, मुझे क्या डरपोक समझ रखा है? लेकिन क्यों जाऊं, अभी मेरा बछड़ा थोड़ा ही भागा है। अच्छा चल, बछड़ा नहीं भागा है, लेकिन हमें मालूम कैसे होगा तू झूठ बोल रहा है? अच्छा चल, इस वक्त तू अकेले जंगल में जाके बता, तब हम समझेंगे तू कितना बहादुर है। ठीक है जाता हूँ अभी, मुझे क्या डरपोक समझ रखा है। अरे सुन सुन, ये चॉकलेट, ज्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। सदानंद के घर के पास जो बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ पर तू इस चौक से अपना नाम लिख कर आ, तब हम समझेंगे कि तू सचमुच जंगल गया था। क्यों भाइयो? लो, तुम सब यहीं रहोगे ना? हाँ यहीं है, जा जल्दी जा, जा जा। काम करते हैं, शेर क्या हुआ निकलते, थोड़ा चला वापस आ जाएगा। शेर की ही क्यों, गधे की भी आवाज निकालूं तब भी वापस आ जाएगा। एक आओ एक खेल खेलेंगे, पत्थर उठा के दूर फेंकेंगे, देखेंगे किसका दूर जाता है। ठीक है। वहां गया है इसका, वहां ये मेरा दूर गया। अरे हमारा दूर गया हमारा। हमें तुम्हारे गुप्त काले धंधे का पता चल गया है, जल्दी ही मुलाकात होगी, बच नहीं पाओगे। ठीक? ये ठीक है। अब जिन 6 लोगों पर शक है उनके नाम ये चिट्ठियां बनाकर पोस्ट कर दो। हाँ। लेकिन दूर किसी दूसरी जगह से करना, फिर देखे क्या होता है। ठीक है, अभी जाता हूँ और 3 बजे की गाड़ी से वापस आता हूँ। नमस्ते। क्या चाहिए? आप ही बोमकेश बाबू हैं? हाँ। नमस्ते। नमस्ते। हम बागमारी गांव से आए हैं। बागमारी? वो कहाँ है? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, कुछ 1 मील होगा। अच्छा आइए, अंदर आइए। बताओ क्या बात है? हमारे गांव में एक जबरदस्त हत्याकांड हुआ है। अच्छा, कब? पुलिस को खबर नहीं दी? पुलिस को खबर दी थी, कल सुबह 9 बजे दरोगा साहब आए थे और लाश ले गए। जब से कोई खबर नहीं। हम आपके यहाँ आते वक्त पुलिस स्टेशन गए थे पर दरोगा ने हमें भगा दिया, सुना है लाश की चीरफाड़ होगी। तो यहाँ कैसे आ गए? हमने सुना है आप पुलिस की मदद करने आए, आपको इस हत्या के बारे में कुछ नहीं पता? दरोगा से तो हमारी रोज मुलाकात होती है लेकिन उसने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। अच्छा, किसने किसका खून किया है और किससे खून किया है? बंदूक से। खून हमारे एक साथी का हुआ है, खून किसने किया किसी को नहीं मालूम। बोमकेश बाबू, अमृत के खून के लिए शायद हम ही जिम्मेदार हैं, हंसी मजाक में दुर्घटना हो गई। आप यहाँ हैं इसलिए हम आपके पास आए हैं, आप ही खूनी का पता लगाइए ना, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। अरे आप ऐसा मत कहिए। अरे आप हम आप क्यों कह रहे हैं, हम आपसे कितने छोटे। ठीक है तुम कहेंगे, अब मुझे ये बताओ तुम कि वो जगह जहाँ पर खून हुआ है मुझे वहाँ ले जा सकते हो? हाँ चलिए, हम आपको अभी ले चलते। आप हमारे गांव में आएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। ये मेरे मित्र हैं, इन्हें पहचानते हो कि नहीं? अजीत बाबू। हाँ। लेकिन हम अभी इस वक्त नहीं जा सकते, अजीत बाबू को जरूरी काम के लिए जाना है। 2 दिन तो बीत चुके,
इसलिए कुछ घंटे और सही, हम 5 बजे चलेंगे। ठीक है, हम आपको यहाँ से ले जाएंगे। ठीक है, अब मुझे पूरी कहानी बताओ शुरू से आखिर तक। आइए। बागमारी के छोकरे आए होंगे। जी हाँ। मेरे पास भी आए थे। अब इन लोगों को क्या है, बस कुछ हंगामा चाहिए, फिर ये रुकने वाले नहीं है। एक बात है, इन्हें ज्यादा भाव मत देना वरना सर पे चढ़ जाएंगे। अच्छा, आप तो इन्हें पहचानते हैं ना, कैसे लड़के हैं? बस आवारा किस्म के निकम्मे लोग हैं और घर बैठे बाप की कमाई खाते हैं। लेकिन जो मरा है वो तो इन्हीं में से एक है। अरे वो तो इससे दो कदम आगे था, मामा के घर रहकर हराम की कमाई खाता था, आवारा गति करता था बस। उसे किसने मारा है, आपको किसी पर शक है? कैसे किसी पर शक करें, उसे किसी ने मरते हुए तो देखा नहीं। खैर इन बातों को आप जाने दीजिए, मैं आपको एक जरूरी खबर बताने आया हूँ। जमुनादास गंगाराम को तो जानते हैं ना, यहाँ के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उन्हें किसी ने बेनामी चिट्ठी लिखी है। अच्छा आप बताइए, कुछ पता चला? हम तो सिर्फ हवा में लाठी घुमा रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा वो अमृत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो मुझे जरूर दिखा दीजिएगा। हाँ अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। लेकिन व्योमकेश बाबू, आप यहाँ शेर चीते का शिकार करने आए हैं, अगर चूहे खरगोश पे नजर डालेंगे तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ नजर डालने वाले हैं, बस जरा सी उत्सुकता थी, कुछ बन नहीं रहा था इसलिए बगले झांक रहे। जंगल में अकेले घूमते तुम लोग? हाँ। ये वो पेड़ है? यही अमृत मरा हुआ पड़ा था यही। इस चौक से शायद अमृत पेड़ पर अपना नाम लिखना चाहता था, लेकिन पेड़ पर तो चौक के कोई निशान ही नहीं है। ये जो वहां मकान है वो किसका है? सदानंद सूर का, वो यहाँ अकेला रहता है। मौत वाले दिन क्या वो यहाँ था? नहीं, 6-7 दिन हुए, कहीं और चला गया। कब आएगा? क्या मालूम। कहाँ गया कुछ मालूम है? नहीं। ये दाग कैसा है? क्या हुआ पता? घोड़े के पैर के निशान, घोड़ा भूत के पैर के निशान, अमृत ने सच कहा था। अच्छा यहाँ गांव में किसी के पास घोड़ा है? यहाँ गांव में किसी के पास घोड़ा नहीं है। बंदूक? जी नहीं। चलो अरे सदानंद भैया, गांव की कुछ खबर मालूम है? क्या हुआ? अमृत मारा गया। मारा गया? क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, बंदूक की गोली से मर गया, किसने मारा मालूम नहीं। अच्छा अब आप अभी अभी आए हैं, घर पर जाइए, आराम कीजिए, हम आपको बाकी बातें बाद में बता देंगे। ऐसा करते हम भी चलते, शाम हो गई, इससे बाद में बातें कर लेंगे। हैं? ठीक है चलो। बच्चों संभल कर, संभल कर। ओमकेश बाबू, हमारे गांव में ऐसा क्या हो रहा है? हैंड ग्रेनेड। चलो बच्चों, बच्चों सब पीछे, अंदर कोई नहीं आएगा। आप लोग भी जरा यहीं पे रुकिए, हम जरा पहले जांच कर लें। Thank you.
मुझे लगता है हत्यारा ये खिड़की तोड़कर यहाँ से अंदर आया। क्यों क्यों क्या सदानंद सूर को मारने? लेकिन सदानंद सूर तो घर पे था ही नहीं, इसीलिए तो आया था। अजीब गोरख धंधा है। वो भी ट्रैप क्या है तुम्हें मालूम है? हाँ मालूम है, किसी को मारने का फंदा। ये वही है, कोई सदानंद सूर को मारना चाहता। जब उसे पता लगा कि वो बाहर गया है, अंदर घर में कोई नहीं है, तो शायद ये खिड़की तोड़कर घर के अंदर आया। और फिर जो घर के अंदर आने का दरवाजा है ये, इसके पास उसने यहाँ बम रखा होगा। बस दरवाजा खुलते ही बम फट जाए। सदानंद सूर जब इस दरवाजे से अंदर आया, बस दरवाजा खुलते ही बम फट गया और वो तुरंत वहीं पर मर गया। मुझे तो लगता है कि अमृत की मौत के साथ सदानंद सूर की मौत भी जुड़ी। अच्छा वो कैसे? वो तो बेचारा यूं ही मर गया। शायद अगर उस रात नहीं आता ना तो ना मर। जिसने अमृत को मारा है उसका लक्ष्य असल में सदानंद सूर है, अमृत नहीं। लेकिन ये मारने वाला कौन है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है वो पिछली लड़ाई के अस्त्रों का कालाबाजारी जरूर करता है उसकी, और रात को घोड़े पर यहाँ के चक्कर काटता है। उसे ही हम पकड़ने आए हैं यहाँ पर। चलो। कुछ पता चला? नहीं बेटे अब तक कुछ नहीं पता चला, बस पुलिस में रिपोर्ट लिखनी है। चलो 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 यहाँ से। आइए आइए व्योमकेश बाबू, कहिए क्या समाचार? समाचार बहुत गंभीर है। बागमारी गांव में एक और खून हो गया है। खून? सदानंद सूर को पहचानते हैं आप? शायद देखा होगा, याद नहीं। लेकिन ये खबर आपको कैसे मिली? क्योंकि मैं खुद बागमारी गांव गया था। तो आप बागमारी चले गए मेरे मना करने के बाद भी? चला गया मेरी मर्जी, ये जरूरी नहीं आपकी हर बात मानू। व्योमकेश बाबू, मैं इस इलाके का पुलिस का बड़ा दरोगा हूँ और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। मालूम है, और आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे हुक्म देने के मालिक आप नहीं हैं। मैं यहाँ सरकारी काम से आया हूँ, आपको हुक्म दिया गया है कि आप मेरी पूरी मदद करें। अरे मदद तो दूर रही, आप तो कदम कदम पर रोड़ा अटका रहे। खैर छोड़िए, आपने बताया सदानंद सूर का खून हो गया है, मैं भी निकलता हूँ। स्टेशन पर एक टीटी है ना? मनुतोष राय। हाँ भाई, उसे मेरे पास भेज दीजिए, जरूरी काम है। जरूर, और कुछ? अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मुझे खबर देना। चलो अजीत। हमने जिन 6 लोगों को चिट्ठियां लिखी थीं, लगता है सबको मिल गई हैं। उनमें से नफरकुंडू कहीं चला गया है, पता नहीं कहाँ गया। कहाँ गया? मालूम नहीं, मंगलवार से ही गायब है। मुझे लगता है हमारी चिट्ठी भी उसे मंगलवार सोमवार को ही मिली होगी। कहीं यही अपना शिकार तो नहीं? देखो क्या पता है। घोड़ा किस किस के पास है? नफरकुंडू के पास घोड़ा नहीं है, वो अपना माल बैलगाड़ी से ढोता है। हाँ विश्वनाथ मलिक के पास 6-7 घोड़े हैं। 7? हाँ। और किसी के पास नहीं? और किसी के पास नहीं है। चलो फिर ऐसा करते हैं कि आज विश्वनाथ मलिक से जाकर मिल लेंगे। ठीक है। नमस्कार ब्योमकेश बाबू। नमस्कार। गरीब को कैसे याद किया? बैठिए बैठिए। हमारा हालचाल तो छोड़िए, हालचाल तो आपने मचा रखी है। आपकी आंखों के सामने बम फट गया और सदानंद सिधार गए। अच्छा खबर आप तक भी पहुंच गई। कल 10:17 की ट्रेन इन भी नहीं की थी प्लेटफार्म पे कि खबर आ गई। बताइए ना क्या हुआ, आपकी आंखों के सामने धड़ाम से बम फट गया। आंखों के सामने तो बम नहीं फटा, कानों के सामने फटा है। आप क्या सदानंद सूर को पहचानते हैं? कैसे नहीं पहचानूंगा, 4:40 की डाउन ट्रेन से उतरे थे, मुझे टिकट दे के जा रहे थे। मैंने कहा कलकत्ता से आ रहे हैं, वहां खूब मौज मजा किया होगा, तो हंस के कहने लगे वहां मौज नहीं मजा किया है। किसे पता था कि आधे घंटे बाद गुजर जाने वाले हैं। अच्छा जब सदानंद सूर यहां से गए तो क्या आपने उन्हें जाते हुए देखा? क्यों नहीं देखूंगा, हमसे बच के भला यहां से कोई जा सकता है। करीबन 7-8 दिन पहले मुझे टिकट दिखा के 7-3 डाउन से वो जा रहे थे। कलकत्ते का टिकट था? मुझे याद नहीं, हो सकता कलकत्ते गए हो। लगता है आप उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। जी हाँ।
आदमी कैसे थे? बहुत ही सज्जन पुरुष थे, वो किसी के साथ पांच में नहीं, और बस वो अपना और अपने धंधे के सिवा कुछ नहीं। क्या धंधा करते थे? छोटी मोटी दलाली कर लेते थे। अच्छा, उनके यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह हैं? एक छोटी बहन है और उसके पति, जो रेलवे में ही काम करते हैं, और वो रामडीही में रहते हैं। लेकिन आपने मुझे कैसे याद किया? इसी काम के लिए। किस काम के लिए? सदानंद सूर के बारे में जानना चाहता था। वो तो बेचारा मर गया, क्या उसकी बहन को पता है? क्या पता? हम सोच रहे हैं कि एक आध दिन में जाकर उसकी बहन और बहनोई से मिलाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बमके जी, मैं चलूंगा। नमस्कार, मेरी 11:35 की आप ट्रेन आ रही है, उसको अटेंड करना है। जाइए। नमस्कार। टीटी मिला भी ना, खबर पहुंचते ही आपके पास आ गया। आपके अकल की दाद देनी पड़ेगी व्योमकेश बाबू। क्या बात हो गई? यह है अमृत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपने ठीक ही कहा था, अमृत बंदूक की गोली से मारा गया, और रिपोर्ट भी यही कहती है। शरीर में गोली है। गोली कहाँ? .38 ऑटोमेटिक की गोली है, जो हथियार लड़ाई के समय अमेरिकन सेना इस्तेमाल करती थी, और जिन हथियारों का आजकल चोर बाजार में तिजारत हो रहा है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि अमृत का जिसने खून किया है और आप जिसकी तलाश में यहां आए हैं, दोनों में गहरा संबंध है, या फिर दोनों एक ही है। अमृत के हथियारे का पता लगाना आपका काम है, सो आप करेंगे, मैं नहीं। वो तो मैं करूंगा ही। मैंने सदानंद सूर की लाश अस्पताल पहुंचा दी है, रिपोर्ट मिलते ही आपको दिखाऊंगा। नहीं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, ये काम भी आप ही का है, मैं इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। हम यहाँ शेर चीते का शिकार करने आए हैं, हमें चूहे और खरगोश से क्या मतलब। लेकिन व्योमकेश बाबू, जिस जाल में आपके शेर चीते आएंगे, उसी जाल में हमारे चूहे खरगोश भी आ जाएंगे। हमें अलग से जाल बिछाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी रही? जी कहिए, क्या चाहिए? विश्वनाथ बाबू हैं, हम पुलिस की तरफ से आए हैं। जी बैठिए बैठिए ना, वो अभी भी बाहर गए हैं। कहिए तो आप, मैं बुला के ले आऊं? नहीं नहीं, बुलवाने की कोई जरूरत नहीं, बस मामूली से चंद सवाल करने हैं, आप ही बता सकते हैं। आप यहाँ का हिसाब किताब रखते हैं? जी, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, और इस गरीब को नीलकंठ अधिकारी कहते हैं। आप ब्योमकेश बाबू है ना? बैठिए बैठिए ना सर, बैठिए। तो यहाँ का सब कुछ कामकाज मतलब आप ही देखते हैं? जी मैं ही देखता हूँ, जब मालिक होते हैं तो वो देखते हैं, वरना सारा जिम्मेदारी मुझ पर ही होता है। अच्छा अच्छा, तो आपके मालिक क्या विश्वनाथ बाबू यहाँ नहीं रहते? नहीं, वो यहीं रहते हैं, पर कभी कभी कलकत्ते चले जाते हैं, वहाँ उनके बीवी बच्चे हैं ना। तो इस पर कितने दिन हुए कलकत्ते नहीं गए वो? एक महीना तो हो गया, इधर कुछ दिनों से उनका काम बहुत बढ़ गया है। अच्छा एक बात बताइए, आप सदानंद सूर को पहचानते हैं? सदानंद बाबू कल रात बम फटने से मर गए, ये बात आज सुबह ही मुझे पता चली। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो अक्सर यहाँ आया करते थे। यहाँ क्यों आते थे? वो मालिक के साथ उनका उठना बैठना था, लेकिन। क्या लेकिन? 10 दिन पहले उन्होंने मालिक से कुछ रुपए उधार लिए थे। 10 दिन पहले? इसका मतलब कलकत्ता जाने से पहले? कितने रुपए लिए थे? जी 1000 रुपए लिए थे। 1000? लिखा पढ़ी की थी या फिर बस यूं ही उधार दिए थे? जी नहीं, मालिक का सदानंद बाबू पर पूरा भरोसा था, 70 रुपए मारे गए। ये क्या घोड़े रखे हुए? जी सब हमारे हैं, मालिक घोड़े रखने के बहुत शौकीन है, सात हैं, सात। सात घोड़े? लेकिन सात घोड़े किस काम के, यहाँ तो किसी के पास एक भी नहीं है। मालिक को घुड़सवारी बहुत अच्छी लगती है,
पहले वो घुड़सवारी के चौकी हुआ करते थे, आजकल थोड़े मोटे हो गए। नीलकंठ, स्टेशन पे माल लादा जा रहा है, जा वहां जाके देखभाल कर। नीलकंठ बहुत बातूनी है, मैं पहले चौकी हुआ करता था यही बता रहा था ना वो। घोड़ों की बातों से बस जॉकी की बात निकल आई। अपने शर्मनाक अतीत की बात लोग अक्सर छिपाते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं, बल्कि अफसोस होता है। ये जॉकी का काम ना छोड़ा होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। आप ही व्योमकेश बाबू है? जी हाँ। आइए मेरे साथ मेरे कमरे में आइए, प्लीज कम आइए। व्योमकेश बाबू, आप यहाँ क्यों आए हैं उसका मुझे पता है, शायद सबों को पता है। अब आप हमें बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अगर आपको मुझ पर शक है कि मैं ही गोला बारूद का धंधा कर रहा हूँ, तो आप मेरी या मेरे कारोबार की तलाशी ले सकते हैं। तलाशी की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप मेरी एक व्यक्तिगत उत्सुकता का समाधान कीजिए। आपने जॉकी का काम छोड़कर चावल की मिल की स्थापना क्यों की? जहाँ तक मैं जानता हूँ, जॉकी की आमदनी तो काफ़ी होती है। आमदनी ज़रूर ज़्यादा थी, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ही कठोर थी। कहीं वजन न बढ़ जाए इसलिए आधा पेट खाकर रहना पड़ता था। मेरे बस का रोग नहीं था। पर घोड़ों का शौक आपने नहीं छोड़ा है, यहाँ काफ़ी घोड़े पाल रखे हैं आपने। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, अगर इंसान का वाकई कोई दोस्त है तो वो कुत्ता नहीं, घोड़ा है। घोड़ा। अच्छा, आपके घोड़ों में कोई काले रंग का घोड़ा है? काला या सफेद तो नहीं है, सभी लाल जैसे हैं, लेकिन यहाँ एक काला घोड़ा है, बद्रीदास मारवाड़ी के पास। इसका मतलब है कि यहाँ एक काले रंग का घोड़ा है। अच्छा, काम की बात पर आते हैं, लड़ाई के जमाने में जब यहाँ अमेरिकन छावनी थी तो आप यहीं थे, आप बता सकते हैं तब उन अमेरिकन सिपाहियों से कौन मिलता जुलता था? अमेरिकन छावनी में किसका आना जाना रहता था ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, अमेरिकन सिपाही हर जगह आते जाते रहते थे, हमारे मिल में भी कई बार आए थे। अच्छा, उन्होंने कभी आपको हथियार बेचने की कोशिश की? हाँ, की थी। एक सार्जेंट अपनी पिस्तौल बेचना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं खरीदा। एक बात बताइए, ये बागमारी तो छोटी सी जगह है, यहाँ अगर कोई बम पिस्तौल वगैरह छुपा कर रखना चाहे तो कहाँ रखेगा, आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? अब कितने हथियार है, कितने बम है, कितनी जगह चाहिए, इसका कुछ अंदाज़ा मैं तो नहीं लगा सकता। आपका क्या ख्याल है, कहाँ छुपाएगा? कोई ऐसी जगह छुपाएगा जहाँ कोई भी आ जा सकता है लेकिन कोई जाता नहीं, जहाँ अकस्मात माल पकड़े जाने पर भी ये साबित करना मुश्किल है कि माल किसने रखा है। मतलब ये जंगल जहाँ कोई अगर ज़मीन में पिस्तौल बम वगैरह गाड़ कर छुपा दे तो ये मुश्किल काम नहीं, लेकिन इन चीज़ों को ढूंढ निकालना नामुमकिन है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस जंगल की बात मेरे दिमाग में नहीं आई, जंगल में ही ज़रूर छिपा के रखा गया होगा, आप जंगल से ही शुरू कीजिए। लेकिन जंगल तो छोटी सी जगह नहीं है, काफी वक्त लगेगा। अजी तो अच्छा चलते। अच्छा, सदानंद सूर ने आपसे 1,000 रुपए उधार लिए थे? हाँ लिए थे, उसे आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान खोलनी थी। मेरी समझ में नहीं आता कि सदानंद जैसे सज्जन आदमी का कोई क्यों खून करे, क्या उसकी कोई दूसरी जिंदगी थी? हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं आज शाम की गाड़ी से रामडीह जा रहा हूँ, वहाँ सुना है उनके बहनों ही रहते हैं, शायद उनसे कुछ पता चले। आप रामडीह कितने दिन जा रहे हैं? बस कल वापस आ जाऊँगा, कल रात 10 बजे की गाड़ी से। अच्छा, एक बात बताइए, क्या फिलहाल आपको कोई बेनामी चिट्ठी मिली है? हाँ मिली है, लेकिन आपको पता कैसे चला? और कई मिल मालिकों को मिली है, मैंने सोचा शायद आपको भी मिली होगी। क्या पता, कौन लिख सकता है इस तरह की चिट्ठी? मेरी जिंदगी में तो ऐसी कोई गुप्त बात नहीं है जिसको भुनाकर किसी को फायदा हो सके। आपका कोई दुश्मन है? व्यापारी के तो सभी दुश्मन होते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत तकलीफ थी।
तो आप हमारी बिल की तलाशी नहीं ले रहे? अरे नहीं नहीं, बिना वजह की झकमारी करने से क्या फायदा। और वो जंगल? पहले रामड़ी घुमाऊं फिर ले लेंगे तलाशी। अजीत, पास ही में वो बद्रीदास मारवाड़ी की आड़त है, चलो वहीं पे हो लेते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा अच्छा, नमस्ते। दो आदमी आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है? क्या मालूम, कभी तो देखा नहीं। नहीं नहीं, कह दो सेठ जी नहीं है। कहते हैं पुलिस ने भेजा है। अच्छा, पुलिस पुलिस? क्या कहूँ, कह दूँ आप नहीं अंदर? नहीं नहीं, बेवकूफ, जा अंदर भेज दे। जी नमस्कार। 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 आपसे एक दो सवाल पूछने थे। हाँ हाँ। कुछ दिन पहले यहाँ जंगल में अमृत नाम लड़के का खून हो गया है, शायद आपको ये मालूम है। नहीं नहीं। आप अमृत को जानते थे? नहीं नहीं। आप सदानंद सूर को पहचानते हैं? सदानंद सूर को आप पहचानते हैं? नहीं नहीं। आपको एक बेनामी चिट्ठी मिली? नहीं नहीं। आपके पास काले रंग का एक घोड़ा है? नहीं नहीं। अच्छा, आपने चोर बाजार में कभी हथियार खरीदे हैं? नहीं नहीं। अगर किसी और ने खरीदे हो तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं नहीं। आपने कभी हाँ भी बोला है? नहीं नहीं। ठीक है, हम जाते हैं लेकिन फिर आएंगे। इस बार सर्च वारंट लाएंगे और आपकी मिल की तलाशी भी लेंगे। अच्छा। नहीं नहीं। हाँ हाँ, चलो। हाँ हाँ। नमस्कार ब्योमकेश बाबू। नमस्कार। नमस्कार। बद्रीदास से बातचीत हुई? नहीं नहीं। आपको कैसे पता लगा कि हम अंदर हैं? जी मैं छुपकर सब सुन रहा था। शुरू से आपके साथ बद्रीदास झूठ बोल रहा था। वो अमृत को पहचानता है, सदानंद सूर को भी पहचानता है। उसे एक बेनामी चिट्ठी मिली थी और उसके पास काले रंग का घोड़ा भी है। पहुंचा हुआ बदमाश है साला। लेकिन आप कौन है? जी मेरा नाम राखाल दास है, इस मारवाड़ी की गद्दी में नौकरी करता हूँ। आपको अपनी नौकरी जाने का कोई डर नहीं है? जी नहीं, नौकरी गई। बद्रीदास ने नोटिस दे दिया है, ये महीना खत्म तो नौकरी भी खत्म। चलो। हाँ हाँ। याद रखिए ब्योमकेश बाबू, ये हरामी का पिल्ला है बद्रीदास। ऐसा कोई जुर्म नहीं जो इसने नहीं किया, चोरी डकैती धोखाधड़ी काला बाजारी। नमस्कार। नमस्कार। कई टाइम आ रही है ना? 4:45 की पैसेंजर कभी लेट ही नहीं होती। गुड। राम डीही, आप वापस कब आ रहे हैं? रात 10 बजे या फिर कल सवेरे। कैसे? फर्स्ट क्लास। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, रामडी जा रहे हैं। आप? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, एक सज्जन आ रहे हैं, उनका स्वागत करना। कौन है? नफल गुड्डू। माल गाड़ी में उनके चावल की बोरियों में 2 शेर अफीम मिली, पुलिस उसे पकड़ कर ला रही है। ये लो, बद्रीदास मारवाड़ी भी आ गए। ये बद्रीदास वापस क्यों चले गए? मालूम नहीं। अरे वो देखो, वो विश्वनाथ बाबू भी आ गए। नमस्कार। नमस्कार बंधु। नमस्कार। नमस्कार। चल दिए? रामडीह जा रहे। अच्छा अच्छा, सदानंद सूर के बहनोई के पास। जी हाँ। आप? कुछ माल आ रहा है,
पूछताछ करनी है। माल बाबू निकल जाएंगे, मैं चलता हूँ। लगता है यही नफर कुंडू है। मन में पाप था ना, तभी बेनामी चिट्ठी पाकर ही रफूचक्कर हो गया। देखो रामडीही, तुम ही जाओगे, सदानंद सूर के बहनोई से मिलकर सब पता लगा लेना। मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बागमारी जाना है। क्यों? वो सब बाद में बताऊंगा। मुझे लगता है कि आज रात को ही सब रहस्यों का फांडा फूटने वाला है। देखो उस पेड़ से लेकर सदानंद सूर के मकान तक कहीं भी नरम मिट्टी नहीं है। इसका मतलब कहीं भी कुछ बड़ा वो नहीं है, छुपाने की जगह कम है। अब एक काम करते हैं, हम सब पेड़ों पर चढ़कर निगरानी रखेंगे। दासू, तुम वो विश्वनाथ बाबू की राइस मिल है ना, उसके नजदीक पेड़ पर चढ़ जाना। ठीक है। समझ गए? गोपाल, तुम जहां जंगल में अंदर घुसने का रास्ता है उसके नजदीक पेड़ के ऊपर है? और तुम सदानंद सूर के मकान के पास, मैं भी यहीं कहीं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। अगर कोई घोड़े पर आए या पैदल जंगल में आए तो ध्यान से देखना, देखना कि कौन है, उसे पहचानने की कोशिश करना है, लेकिन उसे रोकना मत। सब सचेत रहेंगे, समझ गए ना सब? हाँ। जाओ भागो। पक्का मालूम है कि तुमने विश्वनाथ राइस मिल के पिछवाड़े से घोड़े को निकलते हुए देखा? हाँ, और करीब आधे घंटे बाद घोड़ा और सवार फिर से वहीं पर घुस गए। गोपाल, तुम? मैंने देखा घोड़ा और सवार जंगल में घुस गए, बाद में देखा तो वापस चले गए। शाबाश, तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए तुम्हें इनाम भी मिलेगा। लेकिन अब तुम तीनों घर जाओ और किसी से कुछ मत कहना, समझे? कल सवेरे 9 बजे आ जाओ, फिर मैं बताऊंगा कि अमृत को किसने मारा और क्यों मारा, समझ? चलो, चलो। अरे आप जी, सुबह सुबह ही आना पड़ा, आप नाश्ता कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं। लेकिन आप तो राम ही गए थे ना? जाने वाला था लेकिन गया नहीं। बात क्या है? कल सोचा था कि आपके मिल की तलाशी लेने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आज लग रहा है जैसे फायदा हो भी सकता है। आपका इरादा बदल कैसे गया? कल रात रामडीही ने जाकर मैं आपके उस जंगल के बड़े पेड़ के नजदीक छुप गया था, वहां जो देखा उसके बाद अपना इरादा बदलना पड़ा। अगर मैं आपको तलाशी न लेने दूं तो? आपके पास सर्च वारंट है? जी है इंस्पेक्टर। विश्वनाथ मल्ले को गिरफ्तार कर लीजिए। पकड़ो। यही गैर कानूनी हथियार और बम का धंधा करते हैं, और अमृत और सदानंद का खून इन्हीं ने किया है। वो पीछे जो अलमारी है उसे खुलवाइए, चाबियां इनके हाथ में है।
इस कहानी की शुरुआत होती है सदानंद सूर से। अब सदानंद सूर करीब 45 साल का होगा। शादी तो उसने की नहीं थी, लेकिन किस्मत से उसे ये पता लगा कि विश्वनाथ मल्लिक काले बाजार में गोला बारूद और हथियारों का धंधा करता है, और इन चीजों को वो जिस जगह छुपाता है वो जगह सदानंद सूर के मकान के नजदीक वाला पेड़ है। उसी में वो हथियार वगैरह रखता था। शायद उसने कभी विश्वनाथ मल्लिक को उस पेड़ में से हथियार निकालते या डालते देख लिया होगा। बस जब उसे इस राज का पता चला, वो विश्वनाथ मल्लिक के पास गया, पैसे मांगे। विश्वनाथ मल्लिक ने डर के मारे उसे 1,000 रुपये दे दिए। रुपए लेकर सदानंद सूर कलकत्ते चला गया। लेकिन ये विश्वनाथ मल्लिक की परेशानियों का अंत नहीं था। उन्होंने सोचा अगर जिंदगी भर सदानंद सूर का मुंह बंद करने के लिए उसे पैसे खिलाने पड़े तो फिर ये तो एक किस्म का ब्लैकमेल हो गया। उसने तय कर लिया कि सदानंद सूर को रास्ते से हटाना होगा। उन्होंने अपना प्लान बनाया, और जब सदानंद सूर कलकत्ते गया हुआ था तो उसने उसके मकान के दरवाजे पर बूबी ट्रैप का बम रख दिया। अब ये बम लगाकर जब वो वापस आ रहा था तो उसने अमृत को देखा। अमृत ने भी उन्हें पहचान लिया। वो डर गए कि कहीं सदानंद सूर की मौत के बाद अमृत लोगों को ये ना बता दे कि उसने रात को विश्वनाथ मल्लिक को देखा। उसी डर के मारे उन्होंने अमृत को गोली से उड़ा दिया। फिर बम से सदानंद सूर की भी मौत हो गई। अब सदानंद सूर की मौत के बाद गुत्थी कुछ कुछ सुलझने लगी। जिस आदमी को हम पकड़ना चाहते हैं असल में वही अमृत और सदानंद सूर का खूनी है। जो लोग हथियार और गोला बारूद खरीदना चाहते हैं वो तो बाहर के लोग हैं, लेकिन बेचने वाला तो यहां का ही आदमी है। जब उसे बेचने की जरूरत पड़ती तो रात के समय काले घोड़े पर सवार वो उस पेड़ के पास जाता, उसमें से हथियार निकालता। उस रात को अमृत ने उसे देख लिया। वो तो लड़का बेचारा अपना बछड़ा ढूंढने के लिए रात को निकला था, और उसी समय उसने देख लिया। उसकी नजरों में तो वो घोड़ा भूत था। लेकिन दो बातें साफ नहीं थी। एक तो कि ये आदमी कौन है, दूसरा वो घोड़े पर सवार क्यों जाता है। फिर जब एक दिन मुझे ये पता चला कि किसी जमाने में विश्वनाथ मल्लिक जॉकी था तो सारा शक उन्हीं पर पड़ा। उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि विश्वनाथ मल्लिक ने सदानंद सूर को 1,000 रुपये उधार दिए थे। असल में वो कोई उधार नहीं था, एक प्रकार का घूस था। अरे सदानंद बाबू जैसे फटीचर आदमी को 1,000 रुपये कौन देता। बस फिर विश्वनाथ मल्लिक को फंसाने के लिए मैंने जाल बिछाया। मैंने जानबूझकर अपना सारा प्लान विश्वनाथ मल्लिक के आगे रख दिया। मैंने उसे ये भी बताया कि हमें जंगल में किस जगह पे कौन सी चीज देखनी चाहिए, टटोलना कैसे चाहिए, ये सब। कल जब हम स्टेशन पर रामडी जा रहे थे तो विश्वनाथ मल्लिक भी वहां पहुंचे, लेकिन वो वहां इसलिए आया था, वो यही देखना चाहता था कि वाकई मैं रामडीह जा रहा हूं या नहीं। अरे उसे क्या पता कि मैं अगले स्टेशन पर उतरकर वापस आने वाला हूं। किस्मत की बात तो ये है कि ट्रेन बिल्कुल बागबरी गांव के पास ही रुक गई। और बाकी तो तुम सबको मालूम ही है, समझे कि नहीं क्यों।